गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। तो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम। सीताफल मैंने कट कर लिया था, दूध को मैंने गर्म होने रख दिया था और यहाँ पे मैं सीताफल की सब्जी छौंक रही थी, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा, जिसके लिए आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और आज आप लोगों को मेरी आवाज़ ना कुछ अजीब सी लग रही होगी, तो पता नहीं क्या गले में ना कुछ अजीब सा हो रखा है, खराश सी। इस टाइम ना गले की प्रॉब्लम सभी को हो रही है, शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सीताफल की सब्जी को छोंक दिया था। तो सीताफल की जो सब्जी है वो मैंने सिंपल तरीके से ही छोंकी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालने चाहिए, क्योंकि बिना मसाले के भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसको मैंने प्याज लहसुन वगैरह से नहीं छोंका है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। तो मसूर की दाल को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था, तो इसमें मैंने इसको मैंने अच्छे पानी से 2-3 बार वॉश कर लिया है। और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक, इन सबको मैं डाल दूँगी और इसको मैं फटाफट से रख दूँगी। और इस टाइम ना मुझे काम करने की बहुत ज़्यादा जल्दी लग रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो मम्मी ये चाय पत्ती का पैकेट लेके आई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथों इसको भी भर देती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती इसमें ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल नहीं थी। और सामने आपको धनिया वगैरह रखा है। अभी मुझे बहुत काम करने हैं। और ये ना नया चावल का कट्टा आया हुआ है, तो इसको खोल के रखा था। मम्मी ने बोला था कि इसमें से थोड़े से चावल बना के देखना, तो मैं यहाँ पे उसमें से थोड़े से चावल बना के देख रही थी कि चावल कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अगर अच्छे होंगे तो फिर इसको रख लेंगे, नहीं तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें से 1 कटोरी चावल निकाल लिए हैं, और इसके बाद मैं इन चावलों को बना दूँगी दाल चावल सीताफल की सब्जी। तो ये हो जाएगा हमारा खाना। और आज मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया, बस खाना बना दिया है डायरेक्ट, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से काम करना है और पूरा ही दिन आज काम में जाने वाला है। तो यहाँ पे धनिया, प्याज, लहसुन वगैरह इन सब चीज़ों को मैंने कट करके रख लिया था, क्योंकि दाल में भी तड़का लगा दूंगी तब तक हमारी सब्जी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल छोंकने की भी तैयारी कर ली थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह कट कर ली थी। और अभी मेरे को घर के बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पूजा वगैरह ना नहाने के बाद करूँगी, पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पापा को खाना वगैरह खाना होता है और मैं जहाँ जाऊँगी ना तो वहाँ जाके ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। तो मैंने कहा खाना बना के जाती हूँ, फिर आते आते मेरे को टाइम हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर दाल चावल सीताफल की सब्जी और रोटी वगैरह भी बना दी थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है गरम मसाला, और बस इसमें मैं अपनी दाल पलट दूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा ना वो डाल दूँगी जो हमारी घर की फ्रेश मलाई होती है ना वो, क्योंकि बच्चों को ना मलाई इसमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर दूध में मलाई खिलाओ ना तो दूध में मलाई वो नहीं खाते। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे किसी भी तरीके से खाते हो लेकिन उनके पेट में दूध, घी, मलाई वगैरह जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से उनके पेट में मलाई भी चली जाती है, मतलब हेल्दी चीज़ तो जाती ही जाती है उनके पेट में। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर दिया है, मतलब कुछ भी। तो धनिया पत्ती मैंने इसमें डाल दी, और हमारी जो दाल है वो सच में बहुत टेस्टी बनी थी। और इस तरीके से आप लोग ज़रूर दाल बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी जो फ्रेश मलाई थी हमारी वो इसके ऊपर भी डाल दी है। बच्चे इस तरीके से देखते हैं ना तो बड़े प्यार से खा लेते हैं। बस धनिया सारा निकाल के फेंक देंगे। और उसके बाद मैंने जो चावल निकाले थे, जो हमारे यहाँ पे चावल का नया कट्टा आया है, तो उसमें से चावल बनाए थे। चावल सच में बहुत अच्छे हैं, तो मैंने पापा मम्मी से बोल दिया था कि चावल अच्छे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, और उसके बाद फिर देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और सभी के घर गुजिया बन रही होंगी, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे होंगे खाने के लिए। तो गुजिया आप लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ पे कल बन चुकी थी, और आज है शौर्य का रिजल्ट, तो मैं जा रही हूँ शौर्य का रिजल्ट लेने के लिए। अभी तो पहले मुझे घर का काम करना है, मुझे जाना है 11:30 बजे। और यहाँ पे ना मैंने जो ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना शायद,
मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, जो चावल के आटे के बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए भिगो दिए हैं चावल। चावल को भींगते हुए हो गए हैं 3 दिन, तो अभी मैं इनको साफ करके एक कपड़े में मतलब टांग दूंगी, जो इनका पानी है वो सारा अच्छे से निचुड़ जाएगा। और उसके बाद हम बनाएंगे ऐसे। किस किस ने ऐसे बनाए हैं और कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब लोगों ने होली पे खाने में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे गुजिया तो बन गई है और ये चावल के आटे के बनेंगे। थोड़े से मैंने चिप्स काटे थे, मतलब थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें करी हैं। मन करता है ना कि जब कोई त्यौहार होता है तो हम तरह तरह की चीज़ें बनाएं, और अभी बनाएंगे हम लोग दही बल्ले। तो दही बल्ले कौन कौन बनाएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दही बल्ले बनाएंगे तो आप लोगों के साथ तो शेयर होंगे ही होंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसका जो पानी है वो निकाल देती हूँ, और ये कॉटन का कपड़ा है तो इन चावलों को मैं कॉटन के कपड़े में रख देती हूँ, जिससे कि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाएगा। तब तक मैं कर लेती हूँ अपना सारा काम, क्योंकि मुझे जाना है अभी शौर्य के स्कूल, और अभी काम भी सारा पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे काम है। तो चलिए मैं इसको लगा देती हूँ ट्राईपॉड पे, और आप लोग लोगों ने देखा मैंने चावलों को अच्छे से वॉश कर दिया था 2-3 बार, और इसको मैंने इस कॉटन के कपड़े में पलट दिया है, और इनको मैं यहाँ पे टांग दूंगी, बांध दूंगी, तो इनमें से जो भी पानी है ना वो सारा निकल जाएगा, और हमारे चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, तभी जो हमारे ऐसे हैं वो अच्छे बनेंगे। उसके बाद मैं इनको मिक्सी में पीस दूंगी, तो हमारा काफ़ी हद तक सारा तो चावलों को मैंने यहाँ पे इस पोटली में बांध के रख दिया है, इससे ना इसका जो सारा पानी है वो निकल जाएगा, और कहीं और कीच भी नहीं होगी तो यहाँ से ये सीधा सिंक में चला जाएगा। उसके बाद मैं इनको मिक्सी में पीसूंगी, और अब मैं करने जा रही हूँ झाड़ू पोछा वगैरह, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मुझे देर हो जाएगी, और मुझे जाना है अभी शौर्य के स्कूल। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो हेलो, काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं शौर्य के स्कूल, और ये देखिए मैंने पहना है ये वाला सूट, और शौर्य मेरा भी मास्क ले आओ जाके, मास्क ले आओ जाके मेरा, वहाँ पे धूप आ रही है तो इस वजह से थोड़ा उजाला ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्कूल, अगर हो सका तो मैं जरूर शेयर करूंगी शौर्य का स्कूल आप लोगों के साथ। आ जाओ जल्दी से, मास्क ले आओ। चलिए हम लगा लेते हैं मास्क, बिना मास्क के तो एंट्री भी नहीं होने देंगे। शौर्य आज रिजल्ट आने वाला है, डर लग रहा है शौर्य? शौर्य मुझसे कह रहा है कि मेरे 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि इसने याद नहीं किया था। तो लाइटें बंद कर दे भाई, बिजली को भी सेव करना चाहिए, इस कमरे की भी कर दो। चलो तो चलिए चलते हैं, बस मैंने 2 एग्जाम सही से नहीं करे, सारे सही से। चलो तो यहाँ पे हम स्कूल पहुँच गए हैं, और मैं पूजा कर रही थी तो मैं कह रही थी कि शौर्य के जो नंबर हैं वो सही आए, क्योंकि देखो जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना तो एक मम्मी के भी एग्ज़ाम होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कभी भी इनके स्कूल में जाऊँ तो मुझे बच्चों की शिकायतें ना मिलें। लेकिन हाँ ये था कि शिकायत तो नहीं मिली, मैम ने बोला था कि बहुत ठीक नंबर आए हैं जिस हिसाब से बच्चे। हमारे शौर्य की टीचर बहुत ही प्यारी है, हमेशा बच्चों को बहुत प्यार से समझाती है, बहुत अच्छी है। मतलब एक कहते हैं ना कि जो बच्चों की पहली मम्मी होती है वो हम होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहली जो माँ होती है, जो पहली गुरु होती है, वो हमारी टीचर होती है। बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाना, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, तो ये है हमारी शौर्य की टीचर। लेकिन अब ये क्लास टीचर तो नहीं रहेंगी, लेकिन अभी तक शौर्य को इस स्कूल में जितनी भी टीचर्स मिली है बहुत अच्छी हैं, सबको बहुत अच्छा स्कूल है ये, और इसके जो टीचर्स हैं प्रिंसिपल है बहुत ही अच्छे हैं। हाई फोटो मैम, तो आप लोग मिले शौर्य के टीचर से, देखा कितनी अच्छी हैं, और सच में ये बहुत अच्छी हैं नेचर वाइज, हमेशा शौर्य को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं।
वैसे कहते हैं कि माँ बाप बच्चे के पहले गुरु होते हैं। माँ बाप के साथ साथ ना जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, स्कूल टीचर हो, वो भी हमारे बच्चे के गुरु होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छी बातें सिखाने में, अच्छे मैनर्स सिखाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है सच में। और सौर्य का रिजल्ट वैसे ठीक आया था, मैडम बोल रही थी जिस हिसाब से बच्चों की पढ़ाइयाँ जो घर पे हुई है ना, तो मुझे तो लग नहीं रहा था कि सौर्य के इतने नंबर आ जाएंगे, लेकिन और बच्चों के हिसाब से सौर्य के जो नंबर हैं वो ठीक आए हैं। तो फिर मैं यहाँ से घर जा रही थी तो सौर्य ने बोला मम्मी मुझे गन्ने का जूस पिला दो, तो मैं उसको यहाँ पे गन्ने का जूस पिलाने लग गई थी। और शायद जो मेरा गला है ना वो इसी वजह से बैठा है क्योंकि मैंने गन्ने का जो रस है वो पी लिया था, और वैसे तो गर्मियों में पीना चाहिए, फ़ायदा करता है, लेकिन मुझे ना भी ये थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें थोड़ा सा नुकसान करती हैं, तो बस यहाँ पे मैंने भी पी लिया था। और मुझे सच में गन्ने का जो रस है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बॉडी ठंडी चीज़ों को ना थोड़ा सा कम झेल पाती है, और मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से। तो आप लोग भी पी लीजिए गन्ने का रस। और सौर्य का रिजल्ट आ गया है, और सौर्य का रिजल्ट बहुत गंदा आया है। नहीं सही आया, 70%, सिर्फ 70% नंबर आए हैं इसके, ज़्यादा नंबर नहीं आए। पेपर भी तो हमने स्कूल में लिए हैं, तो पेपर स्कूल में देने से 70% नंबर आते हैं, आप लोग देखिए जरा। अब मेरा दिल की धड़कने कम हुई, हाँ, और टेंशन सेल से जा चुकी है। अच्छा 70% नंबर आए हैं इसके। अभी मैं आप लोगों को घर चल के इसका जो रिजल्ट है वो दिखाऊंगी। पढ़ता है ही नहीं है बिल्कुल भी, कम से कम 90% नंबर आने चाहिए, 95% आने चाहिए, 70% आए हैं। और नंबर आए हैं 500 में से 350। पर सौर्य की जो टीचर है वो सच में बहुत अच्छी है।